हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। YouTube के नए पॉलिसी आप लोग तो जान ही चुके हैं। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से 4000 घंटे की वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर फरवरी के 20 तारीख से पहले कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। अगर चैन से YouTube में रहना है तो जाग जाइए। दोस्तों, YouTube ने कहा है अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे की वॉच टाइम नहीं होता है फरवरी के 20 तारीख से पहले तो मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। मुझे 300 से ज्यादा मेल्स आए हैं इस टॉपिक के ऊपर। जो भी न्यू क्रिएटर्स है वो बहुत परेशान है। YouTube का जो पुराने पॉलिसी था मोनेटाइजेशन एनेबल करने के लिए, वो है आपके चैनल पे कम से कम 10,000 व्यू होना चाहिए, तभी मोनेटाइजेशन एनेबल होंगे। लेकिन काफी सारे यूट्यूबर्स ने 10,000 व्यू का माइलस्टोन पार कर चुके हैं। उन लोगों ने अप्लाई भी कर दिया था, फिर भी चैनल अंडर रिव्यू है महीनों तक। चाहे उसके 20,000 व्यू या 40,000 व्यू हो चुके हैं, तब भी मोनेटाइजेशन अंडर रिव्यू है। इसका कारण है YouTube नया पॉलिसी ले आने का सोच रहा था, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपडेट कर दिए। दोस्तों, आपके मेल्स का मैं आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने 2 या 4 मंथ पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था, और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है या 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा 20 फरवरी के बाद। दोस्तों, फिर से आप सुनिए, 1 साल या 2 साल या 1 महीने या 2 महीने, आपने जब भी चैनल स्टार्ट किया है एंड आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। चैनल बंद नहीं होगा, आई रिपीट, चैनल बंद नहीं होगा, सिर्फ मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा। काफी सारे दोस्तों ने मुझे कहा है, भाई मेरा यूट्यूब करियर तो पूरा ही खत्म हो चुका है, इतना मेहनत से यूट्यूब चैनल बनाया, सब कुछ पानी में जाने वाला है। हम लोग यूट्यूब छोड़ रहे हैं और फेसबुक पर आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक में मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, हम लोग वही जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बात कुछ हद तक सही है, लेकिन सभी के लिए फेसबुक मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं है, अभी भी नहीं है, इन फ्यूचर में होंगे तो देखा जाएगा। आप मुझे ऐसा कोई यूट्यूबर दिखाओ जिसका 5 या 6 हजार व्यूज होने के बाद भी $1 भी अर्न हुआ है। आपके व्यूज जब 10,000 होंगे तो आपको $1 या $2 कभी कभी मिल जाता है, और आपके चैनल 3 से 4 लाख व्यूज होते हैं तभी आपको फास्ट पे आउट मिलता है। दोस्तों, अगर आप कुछ यूनिक कंटेंट लेकर वीडियो बनाते हो और भगवान करे या यूट्यूब करे आपका वीडियो वायरल हो जाए, भले ही वो ट्रेंडिंग में ना आए, आपकी किस्मत चमक जाएंगे। या आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर वीडियो कीजिए, थंबनेल, टाइटल एंड टैग्स को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। दोस्तों, एक बात आप जरूर याद में रखिए, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता है तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। 1000 सब्सक्राइबर नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन दोस्तों अपने मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 व्यू लाने के लिए इतना मेहनत किए और मोनेटाइजेशन एनेबल किए, क्या आप वही मोनेटाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते। दोस्तों, मैदान में हरा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। माना कि वॉच टाइम बहुत ही ज्यादा है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर लाना शायद उनसे थोड़ा सा आसान है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, जिन लोगों का 4, 5 या 6 महीनों में मोनेटाइजेशन अंडर रिव्यू है उनका भी मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है 20 फरवरी के बाद, 21 फरवरी से। ये तो अच्छे बात हुई ना। और एक अच्छी न्यूज है, अभी तक 4 या 5 लाख व्यूज के बाद $100 का पे आउट मिलता था, इन फ्यूचर में आपको 1 या 2 लाख व्यूज पे ही शायद आपको $100 मिल जाए, क्योंकि फालतू की वीडियो क्रिएटर अब हटने वाला है, तो एड्स भी आएंगे और कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, आप इतना मेहनत से अपना वीडियो बनाते हो और वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स में क्यों नहीं आता है, और जो लोग साफ वाला वीडियो बनाते हैं ना, या तकिया के नीचे 1 रुपया का सिक्का रखिए और अमीर बन जाइए ऐसा वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहा है अभी तक। शायद YouTube का ये न्यू पॉलिसी अपडेट होने पर उस तरह के कुछ चैनल शायद कम हो जाएंगे, सारे डिलीट तो नहीं होंगे, क्योंकि लोग देखना चाहता है उस तरह के वीडियो। दोस्तों, अगर आपके सब्सक्राइबर कम है या वॉच टाइम कम है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेल से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जो हेल्प होगा वो हम करेंगे। दोस्तों, हार और जीत आपके सोच पर डिपेंड करता है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है।